हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल CBSE DJ कोचिंग में। कैसा चल रहा है दोस्तों? आई होप दैट आप सभी का बढ़िया ही चल रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन का। देखिए, हमने सेकंड क्वेश्चंस की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है जी। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर ए माइनस बी ए ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यानी हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में भी क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक ए माइनस बी ए ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न समझेंगे क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई पॉलिनोमियल यानी बहुपद है यह, जिसका घात कितना है, हाइएस्ट पावर है थ्री का, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात है, उसके जीरो से यानी शून्य दिया जा रहा है क्या? देखिए त्रिघात का शून्य कितना होता है, तीन होता है, क्यूबिक का तीन ही होता है। पहला है ए माइनस बी, दूसरा ए, तीसरा है ए प्लस बी, यानी जीरो दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है अगर जीरो ये हैं इसके शून्य हैं तो ए और बी बताइए। चलिए जी, आप आई होप दैट आपको समझ में आया गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, या जीरोस हैं एक्स यू माइनस या ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए और बी आप पता करके बताइए। चलिए जी, आइए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है, तो चूंकि देखिए चूंकि मान लिया हमने कि ए माइनस बी ए ए प्लस बी और ए आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चूँकि ए माइनस बी ए ए प्लस बी क्या हैं, बहुपद एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक हैं, देयर फोर इसीलिए सम ऑफ द जीरोस, इसीलिए क्या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है कि नहीं याद है? कितना बार यार बताया मैंने वीडियो में, याद कर लो, अब तो याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, माइनस बी ए अपान होता है, होता है कि नहीं होता पहले ये बताइए, होता है क्यों नहीं होता? तो देखिए इसीलिए सम ऑफ द जीरोस यानी शून्यकों का योग क्या होगा, अब जानिए तीन जीरोस दिया गया है, यह जीरो है कि नहीं, शून्य है कि नहीं, यह है तो इसको जोड़ेंगे। अरे पहला ये माइनस बी है प्लस, दूसरा ए है प्लस ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, तो बी का मान भैया क्या दिया है, माइनस थ्री दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, माइनस बी अपान ए होता है। ए का मान कितना है भैया, वन है, वन है कि नहीं है, है बिल्कुल है। तो तीनों को जोड़े, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस थ्री अपान वन। तो देखिए ये माइनस कहाँ से, फार्मूला से आ रहा है, इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस यह हो गया थ्री। चलिए जी आगे वाला हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भैया क्या इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए यह माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए कट जाएगा, और कितना ए बचा है, एक ए, दूसरा ए, तीसरा है, तो जानते हैं तीन ए जुड़ते हैं, तो जुड़ के तीन ए क्या होता है, थ्री ए बनाते हैं। अरे एक ए, दो ए, तीन ए, तीन ए, थ्री ए लिख दिया, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए माइनस कोष्ठक के बाहर है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री, थ्री ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री। हमको ए बी ही पता करना है जी, हमको इसको हल थोड़ा करना है, हमको ए भी पता करना है, तो ए का माना जाएगा थ्री अपॉन थ्री, यानी ए का माना जाएगा वन। चले जी अब दूसरा ट्रिक हम लोग लगाएंगे, दूसरा क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच जीरोस यानी क्या जी, टेकन टू एट अ टाइम। देखिए दूसरा संबंध तो यही ना कहता, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी दो शून्यकों को अल्फा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फा को एक साथ लेकर उनके गुणनफल कीजिए, यानी उनको गुणा कीजिए, प्रोडक्ट में लाइए और उसका जोड़ बताइए, यही तो कहता है जन इंग्लिश में, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू सी ए सी अपन ए होता है। रिलेशन से समझ में आया, अब देखिए अल्फा, अल्फा क्या होता है जी, अल्फा होता है देखिए जी, अल्फा बीटा यानी बीटा अल्फा, बीटा ए है, अल्फा क्या ए माइनस बी है, देखिए बीटा अल्फा कीजिए चाहे अल्फा बीटा कीजिए, चाहे दो गुड़े तीन के चाहे तीन गुड़े दो कीजिए, आंसर तो आना सिक्स ही है, छः ही आना। तो देखिए ए गुड़े ए माइनस बी अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ए को पहले लिख दिया, हम लोग चाहते तो ए को बाद में भी लिख सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी भी लिख सकते, अच्छा लगे इसलिए मैं इसको पहले लिख लिया हूँ। चलिए बीटा गामा, बीटा कितना ए है, गामा कितना ए प्लस बी है, तो देखिए ए प्लस बी, फिर देखेंगे जी
फिर देखेंगे गामा अल्फा, गामा कितना है जी, गामा देखिए गामा हमने क्या लिया था ए प्लस बी, और अल्फा कितना है जी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में गुणा हो जाएगा। सी कितना है जी सी, सी वन है यानी वन, ए कितना है भैया ए भी वन है तो वन अपान वन हो जाएगा। चलिए जी अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा जी, देखिए ए गुणे ए होता है तो ए गुणे ए होता है तो बहुत भारी सवाल आ गया जी, बहुत भारी, इतना भारी कि मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे पेन खोजना पड़ रहा है दूसरा कलर का कि आ जाए मुझे। देखिए क्या है जी ए गुणे ए माइनस बी, तो क्या है ए गुणे ए होता है ए स्क्वायर, क्या होता है जी ए स्क्वायर, और ए गुणे बी होता है तो माइनस बी है तो माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी। चलिए जी ये समझ में आया, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। देखिए ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर होता है प्लस ए इंटू बी होगा तो ए के ए बी हो जाएगा। चलिए जी अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है जी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक संबंध बता रहा है, किसका संबंध बता रहा है जी ये संबंध बता रहा है भैया, किसका बता रहा है देखिए यह संबंध बता रहा है कि जब भी क्या होता है एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई होता है तो उसका मान क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, मतलब ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो वह उसका मान क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आई होप दैट आप इतने समझदार तो हैं कि समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए का स्क्वायर ए होता है, बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर होता है। चलिए जी आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं, देखिए ए स्क्वायर एक है दो है तीन है, तीन है तो इसलिए क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर। अब देखेंगे जी क्या, अब देखेंगे तो दिखाई दे रहा हमको क्या, ये देखिए ये कट नहीं जा रहा है जी, माइनस और प्लस क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, कट जा रहा है तो कट काट ही देंगे हम लोग तो सही रहेगा जितना जल्दी माइनस बी स्क्वायर, अरे कभी ना कभी तो काटना ही है तो अभी काट दे तो उससे बेहतर क्या होगा। अब देखिए अब हमने क्या निकाल लिया है जी ए का मान निकाल लिया है, तो पुटिंग ए का मान, सो पुटिंग ए का मान रखना, हिंदी वाले कहते हैं सर हमको हिंदी में इंग्लिश में समझ में, देखो बच्चों इंग्लिश क्या है बहुत ही ईजी है, अब आप क्या रखेंगे जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना पुटिंग ए इज इक्वल टू वन, तो आप उसी को हिंदी में लिखेंगे कि ए का मान एक रखने पर, यानी मैं जो समझा देता हूँ ऐसा बात नहीं है कि मैं लिखता ज़रूर नहीं हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे हैं इसीलिए मैं लिखता नहीं हूँ और वैसे भी मेरा उतना हिंदी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ समझा के छोड़ देता हूँ, आप चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं जी कि ए का मान एक रखने पर, लिख नहीं सकते हैं हिंदी में इसको, आई होप दैट आप लिख सकते हैं, तो इसका ए का मान वन रखने पर क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों वन का स्क्वायर वन ही होता है, तीन से गुणा होगा तो तीन ही रहेगा, थ्री माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, अब देखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस बी स्क्वायर रहेगा, अब थ्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री हो जाएगा, अब देखिए जी वन माइनस थ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू हम लोग जानते हैं माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, बी स्क्वायर का मान आ गया टू, तो बी का मान क्या होगा जी, बी का मान होगा अगर मान लीजिए बी स्क्वायर का मान टू है तो बी का मान क्या होगा, ये जानते हैं स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं उधर जाके दो चीज़ें हो सकता है, या तो प्लस माइनस हो सकता है प्लस माइनस अंडर रूट टू, या तो प्लस अंडर रूट टू होता है नहीं तो माइनस अंडर रूट टू होता है, हम लोग जानते हैं दोनों और अगर स्क्वायर करें हम लोग तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा और कट के क्या हो जाएगा टू नहीं आ जाएगा जी, तो इस तरह से बी का मान हम लोग को क्या पता चल गया प्लस माइनस अंडर रूट टू। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि ए का मान होगा इसमें वन और बी का मान होगा प्लस माइनस अंडर रूट टू। सो आई होप दैट आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, टेक थैंक्स लो, टेक केयर, बाय बाय, सब खैर।